उदयपुर जिले में राज्यपाल कटारिया ने किया बैंडीकूट रोबोट का लोकार्पण। भारत में निर्मित रोबोट पहुंचे उदयपुर, सीवर मैन होल सफाई हेतु करेंगे उपयोग। कटारिया ने आयुक्त से कहा सफाई व्यवस्था हेतु आयुक्त ने किया आश्वस्त। जी हां, आपको बता दें उदयपुर नगर निगम को राजस्थान नगरी आधारभूत विकास परियोजनाओं के अंतर्गत सीवर मैन होल की सफाई हेतु दो बैंडीकूट रोबोट प्राप्त हुए, जिसका लोकार्पण रविवार को असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया है। नगर निगम गिरा समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 80 लाख रुपए की लागत से राजस्थान नगरी आधारभूत विकास परियोजना अंतर्गत दो बैंडीकूट रोबोट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका लोकार्पण गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया है। इस दौरान महापौर गोविंद सिंह टांक, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, आयुक्त राम प्रकाश, उप महापौर पारस सिंघवी, पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत आदि मौजूद रहे। नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि नगर निगम को प्राप्त हुए रोबोट पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह रोबोट शहर की गहरी सीवर मेन होल को साफ करने के प्रमुख उपकरण साबित होंगे। वर्तमान में सरकार के निर्देशानुसार सफाई श्रमिक को मेन हॉल में उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, जिसके कारण या तो मेन हॉल पूरी तरह कार्य नहीं कर रहे हैं या जाम की स्थिति में हैं। ऐसे में मेन हॉल पर इन रोबोट के माध्यम से सफाई का कार्य संपन्न करवाया जाएगा, जिससे अल्प समय में बिना किसी नुकसान के ज्यादा काम किया जा सकेगा। जिसके कारण से सारा शहर परेशान होता है, समय पर जो है ना, जो वाटर लॉकिंग के कारण से जो बाढ़ की स्थिति बनती है, अगर ये समय पर नाले साफ हो जाए तो आदमी को जब उतार देते तो कई बार कैजुअल्टी हो जाती थी, डेथ हो जाती थी गैस के कारण से और किसी कारण से, तो उसके कारण से अधिकारी भी डरता था कि मैं किसी स्टाफ को उतारूं कि नहीं उतारूं। लेकिन अब इसके कारण से ये डर भी निकल जाएगा और अगर नाले साफ रहेंगे तो शहर की सफाई का 50% काम अपने आप हो जाएगा।